हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न फ्री। आई होप सो आपको लास्ट दो वीडियो समझ में आ गई होगी और आपने प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए उसी के बिहाफ पे आगे चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं अपने एक्सेल शीट पे आ गया हूँ, अब आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इस एक्सेल के मेन्यू बार के अलाइनमेंट सेक्शन पे आज काम करेंगे आज। तो इसके लिए पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये टॉप अलाइन कैसे करते हैं, टॉप, मिडल, और इसके बाद ये है बॉटम, इसके बाद अलाइन लेफ्ट, अलाइन मिडल, अलाइन राइट। ठीक है, पहले इसके बारे में सीखते हैं, इन छः के बारे में। तो चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अमित कुमार। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अभी इस रेंज के बाहर आ रहा है। अगर मैं इसको सही करना चाहूँ तो ये देखिए, मैं भी करता हूँ इसको बस देखिए, मैंने सही कर दिया और ये थोड़ा ये बढ़ा दिया। आज मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ ले रखा है ताकि सबको क्लियर दिखे, सही से दिखे। अब इसको मैं अगर यहाँ से टॉप लाइन करता हूँ, ये देखिए टॉप लाइन कर दिया, फिर मिडल लाइन में अभी इतना ही आ रहा है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, रुकिए, ये देखिए छोटा हो गया। अब ये देखिए टॉप हो गया, मिडल, अब ये हो गया नीचे, हो गया सबसे नीचे। इसके बाद अब इधर मैं ले गया इसको लेफ्ट में, फिर सेंटर में ले आया, अब मैं इसको राइट में ले आया। और अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, जो ये है ओरिएंटेशंस। अगर मैं इसको ओरिएंटेशन को इधर करूं और एंगल काउंटर क्लॉक करूं, दबाओ, ये देखिए एंगल काउंटर क्लॉक हो गया, वापस वैसे ही हो गया। अब इसके नेक्स्ट यूज़ करते हैं वर्टिकल टेक्स्ट, ये देखिए वर्टिकल टेक्स्ट हो गया। इसमें अब फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, जो ये फॉर्मेट बार है इसके बारे में अभी आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, और इसको ये बंद कर देते हैं और मैं इस टेक्स्ट को डिलीट सेंटर में ला देता हूँ पहले, क्योंकि इसको वर्टिकल हटाएंगे। अगर आपको दोबारा उसी पे क्लिक करेंगे तो आपको वैसे का वैसे दोबारा कर देगा सेल, अगर आप उसको नहीं करेंगे तो उसको कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं इस पे डिक्रीज इंटेंट। अब मैं इसको डिक्रीज किया तो देखिए इधर आ गया, अब मैं इसको इधर इंक्रीज़ किया तो देखिए कहाँ चला गया, सबसे लास्ट में चला गया। अब इसको वापस लाना है तो इधर ले आया वापस, ये देखिए वापस आ गया। इसमें हम आराम से भी कर सकते हैं ताकि हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े और ये बिल्कुल ये डायरेक्ट ऐसे हो जाए। अब चलिए अब सीखते हैं रैप टेक्स्ट कैसे करते हैं। अब मैंने अगर इसको रैप टेक्स्ट कर दिया और अब मैंने इसको ऑल्ट और ये दबा दिया एंटर, तो ये देखिए ये हो गया रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट को मैंने इसको बीच में अलाइनमेंट दे दिया, टॉप कैसे मिडल कर दिया और इसका साइज वो कर दिया, छोटा कर दिया रेंज का। अब आप देखिए रेंज पूरा फिट हो गया है, इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं रैप टेक्स्ट। इसमें करता है एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस सो दैट यू कैन सी ऑल ऑफ इट। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो लाइनिंग आगे जा रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वन से ये टू में एग्जांपल दे रखा है, ऐसे कर देगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी एक्सेल में और भी पकड़ बन सके। अब कर चलते हैं मर्ज सेंटर में। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ पहले अमित एंड नेक्स्ट सेल में लिखता हूँ कुमार। अब मुझे इसको रैप टेक्स्ट करना है, रैप टेक्स्ट कर रहा हूँ, मर्जन सेंटर करना है। तो मैंने इसको मर्जन सेंटर किया। अब ये कह रहा है मुझे कि मार्जिंग सेल ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू, जो अपर लेफ्ट वैल्यू है उसी को ही डिस्कार्ड करेगा ये। अब मैं इसको जैसे ओके करूं तो ये देखिए हमें तो हो गया, राइट की वैल्यू हटा देगा और लेफ्ट की वैल्यू लेगा खाली। और अगर इसको ऐसे ना देके चाहे सिंपल करना, जैसे कि अमित कुमार मैंने लिखा और मैंने इसको चार कॉलम लिए और रैप टेक्स्ट मर्ज कर दिया, ये देखिए मर्ज हो गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है पहले इससे। अब इससे हम इसमें टेबल भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने इसमें ऑल्ट BHA कर दिया तो ये देखिए एक टेबल क्रिएट हो गया पहले से। तो आज के लिए इतना ही,
अब इसकी आगे प्रैक्टिस करिए अलाइनमेंट की, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि मैंने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है, और उसके रिगार्डिंग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू, और मेरी वीडियो को प्लीज़ आगे से आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके ऐसी वीडियो बनाने के लिए। सो बाय, थैंक यू।